तो वेलकम गाइस यार, बहुत सारी चीजें खोल लिया तो सोचा आज एक सुपरमार्केट भी खोल ही लेते हैं। तो यार आज हम खेलने वाले सुपरमार्केट सिमुलेटर, जिसमें हमारे पास है $100। सुबह के 8 बजे हुए, तो यार अभी पहले ट्यूटोरियल कर लेते हैं। अपन को कुछ ऑर्डर करने हैं। अपना ये पूरा दिख रहे हो ना, ये छोटा सा अभी अपना सुपरमार्केट है, बहुत छोटा है, पर धीरे धीरे इसको बड़ा कर ही लेंगे आई थिंक। तो यार देखिए जरा इसमें क्या है, ऑर्डर कर सकते हैं क्या हम? अच्छा, ये सब हम ऑर्डर कर सकते हैं, तो हमें बैंकरप्सी भी नहीं करनी है। तो भाई एक एक चीज़ ऑर्डर कर लेते पहले। ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट, ऐड टू कार्ट। ये कितने का है? $19। ये बहुत महंगा है, ये नहीं करते अभी। ठीक है, 136 हो गया यार। इसको इधर से कार्ट से रिमूव करना पड़ेगा। तो मेरे को तो लगता है ना, ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। ये तीनों चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं, आई थिंक इतने में हो जाना चाहिए। तो तीन चीज़ तो हमने ऑर्डर कर लिया है। अब Level 1 पे हमारी स्टोर आ गई है। यहाँ पर मैनेजमेंट में देखो, हम लोग ना किसी को हायर भी कर सकते हैं। ओके, ये क्या है? स्टार्टअप 1। तो ये सब हम बेच देंगे। परचेज द लाइसेंस टू एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स ब्लो। ये सब प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए हमें परचेज बाय करना पड़ेगा, और परचेज के लिए यार हमें अभी टाइम लगेगा। तो पहले तो अपन ये सब सेल कर देते हैं जो हमने बाय किया। अभी मैं देखूँ ये आया कहाँ है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा ये ऑर्डर कहाँ पर। ओह वो बाहर डिलीवरी भी आ चुकी है, तो अब मैं इसको पिक कर लेता हूँ, और मेरे को जगह पे रखना भी रहेगा ना। ओ ये, ओ वाओ, बहुत स्मूथ है, नाइस। और अपन को ये डस्टबिन में डालना है, ठीक है ना। फ्रेश। अभी हमारे पास इतने ही रुपए हैं, तो हम इतना ही करना चाहिए। अंडे भी मंगा लिया हमने पूरे, और ये भी कर देते हैं बंद। अब हमें प्राइस सेट करना है इनका, और ये हम यहीं से सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने $1 एवरेज कॉस्ट है, प्राइस है, और हमें सेट करनी है अभी ज़्यादा। हम करने वाले मार्केट प्राइस अभी 2.62 61 चल रही है, तो अपन 2. अपन $3 करके देखें क्या गाइस, बिकेगा कि नहीं चेक करेंगे ना यार। अपन थोड़े से ज़्यादा करेंगे, $3 को प्राइस लगाते हैं। भाई हम लाके भी तो दे रहे हैं, भाई सब इधर मिलता नहीं है ये सब सामान, तो ये मिल रहा है। यहाँ पर अपन लगाते हैं 3.5, है ना? नहीं, एवरेज कॉस्ट ही इतना है, तो इतना क्यों लगाएंगे हम? कम से कम 4 लगाएंगे। अच्छा, मार्केट प्राइस तो और ऊपर चल रही है, हम लगाएंगे 5। ओके, $5 हमने इसको लगा दिया। यहाँ पर इसका चल रहा है 6, मार्केट प्राइस बता रहा है, तो अपन थोड़ा महंगा देंगे, 6 अपन देंगे 7 में। ठीक है, तो यहाँ अपन ने प्राइस सेट कर दिया। अब अपन का स्टार्ट हो गया, तो ओपन करना है अपन को। ये क्लोज है, इधर से अपन ओपन कर सकते हैं स्टोर को। ओपन हो गई है, अब कस्टमर आने भी लगे हैं, तो लेट्स गो। वेट फॉर द फर्स्ट कस्टमर। तो पहली कस्टमर आ गई है। वो टैटू बना गया इस, देखो दिख रहा है आपको भाई, आजकल तो खतरनाक ही कस्टमर्स नहीं हो गए? वाओ। तो यहाँ पर अपन इंटरेक्ट करते हैं, और इन्हें 2 अंडे लिया, ये दोनों ओपन कर देते हैं, और पैसे कलेक्ट। तो स्पेस फॉर अप्रूव, मैं क्या करूँ? हो गया ना? अच्छा, ओ ओके, मेरे को वापस भी करने। मैंने कितने लिए थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा ओके, $44 देने पड़ेंगे भाई, ये भी करना पड़ेगा। 20 20, डन, ये लो। अब आप क्या करना है? हो गया ना ये? ओह भाई, सारे सेम कस्टमर आएंगे क्या? ये भी हमने ले लिया वापस, हमें $6 मिल गए फिर से हमें। अच्छा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, अप्रूव। अरे ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कितने रुपए लिए, ये तो फुल मतलब खतरनाक सीन है। तो ये हमें $20 मिले, हमें वापस करने हैं $14। ठीक है, तो 10 और 1 2 3 4, इतने रुपए आए कहाँ से मेरे पास? मेरे पास तो पैसे नहीं थे ना। चलो जाओ। तो यहाँ पर, ओह भाई कितना सामान लेके जा रहे हैं। तो यार अभी मेरे $100 तो मेरे को लग रहा है अभी हो जाएंगे। पैसे कितने दिए इनने? 50, हमें 20, हमें 30 देने हैं इनको चेंज। ठीक है, ये लो, डन। जाओ, ये भी लेने हैं। अब तो भाई मेरे को लग रहा है अंडे किसके दर बिक रहे हैं गाइस। अंडे मेरे को अगली बार से ज्यादा मंगाने पड़ेंगे, स्टार्ट से ही अपनी दिमाग इसने बिल्कुल एक्सेक्ट दिया। ऐसे खुले लेके आओ यार तुम लोग, इतने कम कम रुपए दे रहे हो। रुको, पहले कस्टमर आ रहे हैं तो इनको देख लेते हैं। ये देखो सीरियल ले रहा है, इसने ले लिया, इसने 2 सीरियल लिया मैंने देखा। तो ये देखो कितने चेंज करने, 6। जाओ भाई, अब तो हो गए उस्ताद अपन। तो मैं सोच रहा हूँ ना, एक और चीज़ मंगा लेता हूँ मार्केट से। ये जो 58 की आ रही थी ना, कहाँ गई वो? सबसे महंगी थी ये,
अच्छा ये तो मैंने मंगा लिया था एक्चुअल में, ये नहीं सॉरी 53 वाला ये। अब अपन देख लेते हैं इसको, 47 वाले को हटाते हैं, इसको परचेस कर लेते हैं। लेट्स सी, अब मेरे पास $15 बचे हुए हैं, तो सीरियल ले रही है। ओके डन हो गया ना। अच्छा रुपए नहीं कलेक्ट किया था मैंने भाई, ध्यान रखना पड़ेगा, रुपए भी कलेक्ट करने पड़ते हैं मेरे को। $3 मैंने दे दिए वापस, और मेरा अगला भी आ चुका है, तो इसको भी मैं जमाता हूँ, जमा देता हूँ जल्दी से, लाइक इधर जमा देता हूँ। ये क्या है, लैप सीड्स, ठीक है इसको अपन डाल देते हैं इधर। हाँ एक मिनट रुक जाओ, इसकी प्राइस और सेट करने, तो मेरे को अपन इसकी भी 7 लगा देते हैं प्राइस। ओ ओ 8 लगाते हैं यार, अपन मार्केट से महंगा देंगे, देखते हैं बिकता है कि नहीं बिकता, एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तो बढ़ेगा कैसे सब कुछ। $13, $13 नाइस। कैट लॉस्ट, सॉरी सॉरी मैम, कैट लॉस्ट नहीं, वापस आना शॉप पे, शॉप बड़ी भी करनी है मेरे को। गेट लॉस्ट, पता नहीं कहाँ से निकला है गेट लॉस्ट ये, इसने खरीदा भाई, अमीर आदमी है ये, मैं तो सोच रहा हूँ और रेट बढ़ा दूँ यार। ओके 5 ये लो, डन, चलो ये हो गया। आर टू थ्रो, अभी यही कर देते हैं थ्रो, बाद में अपन जमा देंगे इसको। प्राइस टैग और लगाना है मुझे, $8 लगाया ना, इसको 8.5 करने वाला हूँ। अरे 7.5 नहीं, 8.5, 80.5 नहीं, क्या हो रहा है ये, अभी और नहीं आएंगे जितने आ रहे, वो भी रात हो गई है गाइस। ये अपन बेच देते हैं। मैंने कुछ तो गलत कर दिया यार, मैंने कुछ गलत कर दिया है, इतने सस्ते में तो नहीं बेचने वाला था मैं इसको, मैंने कुछ तो गलत कर दिया है। और मैं चेंज, अच्छा सेंट्स भी है मेरे पास। ओ भाई चलो $3 देना है, ये 3 और 0.02, ये हो गया, ये हो गया। हो समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, पर यहाँ में और मिल गई है ये तो भाई। ये देखो 91, पागल लड़की, इतना कौन देता है यार चेंज। हो गया ना, अब मेरे को देखने दो यार, तुम लोगों ने ना फालतू का ये प्राइस मैंने गलत लगा दिया है क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। सही तो लगाया है, सही लगाया है मैंने तो यार। अभी तो मेरी शॉप ओपन है, पहले मैं सामान जमा देता हूँ, मेरे को कुछ और भी ऑर्डर्स करना पड़ेगा यार। डन, और इसको रख देता हूँ बाहर, रात हो गई है यार, मेरी मेरी शॉप में लाइट नहीं है, इतना गरीब हूँ क्या मैं, तो लाइट तो होनी चाहिए यार। हाँ ये अभी चोरी करके ले जाता कोई, ये इसकी प्राइस मैं बढ़ाने वाला हूँ, इसकी करने वाला हूँ 8, लेट्स सी बिकता है कि नहीं। तो और सबकी प्राइसिंग मैंने कर दिया, देखते हैं अभी $101 हो चुके हैं मेरे, देखते हैं ये क्या बोल रही है, चिप चिप इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर मी। अरे यार मैंने ज़्यादा कर दिया प्राइस, मेरे को लग ही रहा था, कोई नहीं हम वापस 7.20 कर देते हैं। एक तो मैं ना प्राइस ऐसे ही नहीं रखा करूँगा, 7 रखा करूँगा, मेरे को खुले देने में बहुत दिक्कत आती है यार, खुले बुल्ले देने ही नहीं है अपन को। ओके तो आज का दिन खत्म हो चुका है, ये आज का है, हमने स्टोर लेवल कर लिया है, इनकम हमारी इतनी आई है, सप्लाई कॉस्ट हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है वो है सिर्फ $1 है, पर पहला दिन था ना, तो अब देखते हैं, अब हम समझ चुके हैं, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं शॉप को ओपन, और अभी ऑर्डर भी करने वाले हैं, किसका माल है इसको भेज दूँ क्या है। डन, तो यार मैं सामान लेके आ जाता हूँ, कुछ उसे प्राइस ही लगा क्या, चला क्यों गया उसकी, अच्छा उसे जो चाहिए था शायद वो मिला नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है, एक बार प्राइस सेट करनी है ये, अच्छा है कम से कम। इसको भी रख देता हूँ मैं, ये भी हो गया, अब अपन जल्दी से बेच देते हैं। ये देखो अच्छा तो है, ₹21, $21 सॉरी, 29 वापस करना है इसको, 1 और ये 5 और 1 1 1 1, डन आ जाओ, कितने की आई है, 8 की, 2 वापस करने पड़ेंगे। ओके गाइस, हमारा बिजनेस शायद तक बहुत अच्छा चलने लगा है, दो चेकआउट, चॉकआउट्स नहीं, चेकआउट्स और करने के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा कंप्लीट। जाओ इसको क्या स्लाइस ब्रेड करीब, ठीक है तो मैं ऑर्डर कर लेता हूँ ज़रा, जब तक मेरे को लग रहा है जैसे मेरा सामान खत्म होने वाला है, तो मेरे पास अंडे नहीं है, अंडे ऑर्डर कर लेता हूँ मैं, 2 3, ठीक है, और ब्लैड मैंने ले ली है, मेरे पास ये नहीं है, ये भी ऑर्डर कर लेता हूँ, ये भी नहीं है, ये आप देखता हूँ मेरे पास कितने हो गए, तो ये सब मैं परचेज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने रुपये नहीं है,
सकती है, मैं ये हटा देता हूँ। अब मैं कर सकता हूँ क्या इसको हटा के? कर सकता हूँ, पूरा सब कुछ भर देता हूँ, डिस्प्ले फुल, इसको इधर, और भी है अपने पास, अंडे है, लो $21 और 79 वापस करना है, 50 20 और 5, 1 2 3 4, ये लो। और ये है, हाँ आप ठीक है ना, आप सही कट रहे हैं। तो ये कोई तो मतलब घपला कर गया ना, क्या पता। $2 देखते हैं अभी तो यार, अपना ना लाइसेंस लेने के लिए Level 3 हो गया है, पर अब मेरे को ना 125 चाहिए, उसके बाद मैं जाके अपना कर पाऊंगा 3rd level का। तो यार दिन आज का भी ख़त्म हो गया है, तो मैं इसको भी जल्दी से फिनिश कर देता हूँ, और नेक्स्ट डे अब लगने वाला है यार अपना लाइसेंस। तो यार आज मैंने $21 की कमाई की है, कल से तो ज़्यादा ही है, कल तो $1 की कमाई थी। हाँ आ गया, क्राफ्टिंग फ्लोर इज टू एक्सपेंसिव। भाई क्या, रुको फिर मेरे को देखना पड़ेगा यार कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रखा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है फ्लोर कौन सा है ये। ओके ये भी सही है, क्राफ्टिंग फ्लोर कौन सा, ओके ये मैंने एक्सपेंसिव करके रखा है, ठीक है यार मैं इसको कम कर देता हूँ, 8.5 कर देते हैं। भाई आटा महंगा ही है, इतना महंगा तो मतलब आटा हम लोग लेके खाते हैं, हमें पता है भाई आटा महंगा है। टिप छोड़ के जाया करो यार, कुछ तो टिप छोड़ के जाओ, हमारे पंपिंग स्टेशन पे तक लोग टिप छोड़ के जाते हैं यार, कैसे लोग हो यार तुम लोग, हद होती है यार, कुछ तो सपोर्ट दिखाओ भाई नई दुकान के लिए। इकलौती किराने की दुकान है पूरे मोहल्ले में, फिर भी टिप नहीं छोड़ के जाते हैं जल्दी। ओके अंडे महंगे लग रहे हैं इसको, बताओ अंडे महंगे लग रहे हैं तो देखने दो ज़रा। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ माल बिकता है अंडे, हमारे क्या अंडे फेमस है भाई, अरे अंडे महंगे लग रहे हैं, दिखाना कितना प्राइस अंडे का, बताओ अंडे महंगे लग रहे हैं। चलो ब्रेड खत्म हो गए और $1 वापस करना है, ये लो ब्रेड तो है अभी ख़त्म नहीं हुए, पर मैं को अंडे का प्राइस कम करना पड़ेगा, 2.60 चल रहा है, 2.70 पे अपन भेज देते हैं, क्योंकि अब सेंट्स पे मेरे को काम करना ही पड़ेगा अगर मेरे को ज़्यादा बेचना है तो। ब्रेड का प्राइस लोगों को सही लगने लगा है, तो ब्रेड है ना अपने धूम धड़ाके से बिक रहे हैं। ये आ गई इंस्टाग्राम पर आ गई है, इसके घर में ब्रेड मेरे को लग रहा है केक वेक बनाती है क्या। चलो दो ये बिक गए ख़त्म, और इसी के साथ हमें $5 और मिल गए, तो इसको वापस कितने करने, 5 डन। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेरे को ना माल थोड़ा सा चाहिए रहेगा, मेरे को मार्केट से सामान तो मंगाना पड़ेगा। कैंडी, लेट्स गो फॉर कैंडी। कैंडी यार बहुत कम की बिकेंगी मुझे ऐसा लग रहा है, ये सही है, एक इसको मंगाते हैं और एक इसको मंगा लेते हैं और एक इसको मंगा लेते हैं, लेट्स सी परचेज, अब कल देखते हैं, अभी तो हमने मंगा लिया है, आज की रात तो ऐसी निकल जाएगी। और यहाँ पर कितने चाहिए, 39.30, ये लो हो गए 39.30, निकलो। मैं बहुत खड़ूस दुकान वाला नहीं हूँ क्या, ऐसा नहीं लग रहा है मैं बहुत खड़ूस दुकान वाला हूँ, ठीक है अभी मेरा माल भी आ गया है, मैं जल्दी से वो भी जमा देता हूँ। भाई रात को भी आते क्या यहाँ मेंबर्स, हमें करना ही नहीं फिनिश्ड है, हम रात भर दुकान चला सकते हैं। डन 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 डन, भाई पूरा भेज दिया मैंने, इसको मैं प्राइस लगा देता हूँ 2 है ना, 7 लगा देता हूँ यार, इतना तो चलता है यार, इतना भी मत करो बिल्कुल ही, मतलब मैं कुछ कमाना चाहता हूँ, मतलब मार्केट प्राइस से ज़्यादा दे रहा हूँ तो क्या हुआ, मैं उन लोगों से आगे भी निकलना चाहता हूँ ना जल्दी। 0.90 ये हो गया, 50 ये हो गया, 25 ये हो गया, 5 कितना हो गया भाई देख के करना पड़ता है, 90 10। ये मैं एंटर करता हूँ, ये वाला दिन ख़त्म करता हूँ, देखिए हम प्रॉफिट में तो होंगे, $11 प्रॉफिट, अच्छा ओके, मैंने सामान भी खरीदा ना गाइस इसलिए। तो यहाँ पर ये अपन को एक मिल रहा है, इसको 12 में बेच सकते हैं यार, ये तो महंगा आइटम है, देखते हैं, नहीं यार 11 कर देता हूँ मैं, ज़्यादा हो जाएगा 12 11 ठीक रहेगा। अरे बहुत जल्दी, $19.10, 90 सेंट्स अपन को वापस करने हैं, 20 50 और ये हो गए 40 और एक मिनट 5 और करने, पता नहीं किस हिसाब से वापस करता हूँ मेरे हो जाता है वापस, चलो अच्छा है, नहीं तो मैं तो बहुत घपला खा जाता।
फ्रिज कहाँ है? मेरे को फ्रिज क्यों नहीं दिख रहा भाई? दूध खराब हो जाएगा हमारा, फ्रिज कहाँ है? मैंने ऑर्डर किया था ना। अच्छा ओके, नहीं किया था मैंने, अब कर देता हूँ। आ गया फ्रिज, सही। सब भेज दे पहले अपन। 33 आए, नाइस। ऐसे खुले चाहिए रहते मुझे। पीनट बटर बहुत खा रहे हो तुम लोग। वाह, अब मैं फ्रिज रख देता हूँ भाई। फ्रिज आ गया अपना मस्त वाला। इसको कहाँ रखें, इसको कहाँ रखें अपन? इस कोने में रख दे क्या? ये ठीक है, ओके। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, में गलत रख दिया फ्रिज। एक मिनट रुको, इसको यहाँ रख देते हैं। और इस फ्रिज को उठा के कैरी और इधर कर देते हैं, इधर ये कोने में सही आ जाएगा। फ्रिज ये आ गया, नाइस। और ये उठाते हैं और इसको भर देते हैं, और इसको जरा फेंक देते हैं थोड़ी देर के लिए। इसकी प्राइसिंग लगा देते हैं 3.5। ज़्यादा नहीं लगाई है भाई, बहुत ही कम लगाई है मैंने। 13, 13, 13, 6 और 30। चलो 5, 1, चलो निकलो। कितने देने हैं इसको? कुछ नहीं देने, जल्दी निकलो। अरे दूध बिकने ही लगा थे, सही, नाइस। ये ही चाहिए अपन को, ये शेल्फ है, यही चाहिए मेरे को। इसको अपन लेने वाले हैं। परचेज, परचेज हो गया गाइस, ये भी अपन ने बाय कर लिया है। तो परचेज आ न्यू सेक्शन यूजिंग आ कंप्यूटर टू एक्सपेंड योर स्टोर। ओके, तो हमें न्यू सेक्शन भी एक खरीदना है। तो यहाँ पर शेल्फ और कहाँ लगा सकता हूँ मैं? लाइक मेरे को जगह बताओ कहाँ लगा सकता हूँ मैं इसे। इसे कहाँ लगाऊँ मैं भाई? इसको बाय किया है मैंने, पर इसको लगाऊँ कहाँ? अच्छा अभी लगा ही नहीं सकता। लगा तो सकता हूँ यार मैं भी ना, इसके पास तो नहीं लगाऊंगा, इधर लगा देता हूँ। डन, ओके। कितने वापस करना है? 650 भाई, बहुत काम है ये तो मेरे को। बाद में ना जाके, अरे नहीं यार ये गलत कर दिया मैंने। एक्सपेंड या रिस्टोर ग्रोथ, हायर कस्टमाइजेशन, ये सब इसमें है। ग्रोथ सेक्शन 1। ओ तो मेरे को $150 इकट्ठे करने पड़ेंगे वो खरीदने के लिए। ठीक है, आई गॉट इट। और ये आते हैं रुपये, अभी कर देंगे हम इकट्ठे। 60 सेंट दे दूँ मैं इसको। और ये देखो पीनट बटर चला गया, और 90 सेंट्स। ठीक है, ये भी हो गया। और एक और, नहीं यार मेरे पास इतने रुपए भी नहीं है जितना मैंने ऑर्डर कर दिया। देखता हूँ कुछ हटा देता हूँ मैं। एक्वा फिना हटाऊँ कि मिल्क रख देता हूँ? एक्वा फिना हटा देता हूँ। कितने हुए अब? ठीक है अभी भी नहीं कर सकता हूँ। ठीक है ये हटा देता हूँ अभी के लिए। मिल्क देखते हैं क्या आया है अपने पास। जल्दी 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 जल्दी, पाले या प्रेरे कुछ अलग है ये। इन पे मैं जल्दी से कॉस्टिंग और लगा देता हूँ। ये है 305, अपन बेचेंगे 3.20। ओके, ये कितने में बेचेंगे अपन? 4 में। ओके डन, अब देखते हैं ज़रा कितने हुए आपके। 4.90 वापस करना है? ठीक है 4.5 ही वापस कर देता हूँ क्या? हो गया डन। अब आ रही भाई भीड़, लाइट भी जलानी है मेरे को, अंधेरे में मैं बेचे जा रहा हूँ। ये ना भीड़ आती है तो मेरे को शायद इसलिए ये लोग खुले देने लगते हैं। 4 डन, कितने हुए? 1.60 वापस करने हैं इसको। 1.50। और कोई नहीं, अभी लाइट जला दूं मैं जरा। ये वही, क्या कमा रहा हूँ यार मैं। 8, ओहो इतने वापस करने। 50 और 80 और 5 और 1, 6 और 1, 2, 3, 4। चलो निकलो भाई, पूरे खुले लेके जा रहे हो यार, खुले लेके आया करो भाई। ये क्या है तुम्हारा? क्या अभी यार और माल है क्या अपना? हाँ एक और रखा था, अच्छा मैंने देख लिया। क्या अभी मैं पूरे बेच दूँ, रात हो जाएगी ना बस।
सेक्शन बैक्शन बाद में खरीदेंगे अपन। अगर लोगों को पसंद आएगा ना ये वीडियो, ये सुपरमार्केट अगर बड़ा करना है तो सेक्शन बाद में खरीदेंगे। यहाँ एम्प्लॉय भी लगा दूंगा यार बाद में मैं। चलो आज के दिन तो खत्म हो गया गाइस, आज का दिन अपना खत्म हो गया है, इसको कर देते हैं क्लोज और देखते हैं आज अपन ने कितना कमा लिया है। भाई 14 दिन था, आज अपन प्रॉफिट में है, नहीं माइनस में है, पर सारा सामान बेच के प्रॉफिट में हो जाएंगे अपन। तो गाइस कैसा लगा ये गेम मुझे बताना, आगे हम इसको कंटिन्यू करें या नहीं मुझे ये भी बता देना। अगर तुम लोगों को पसंद आएगा तो ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय, टेक केयर।